नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सुरु टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आधार कार्ड अगर किसी व्यक्ति का गुम हो जाए तो उसको कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए या ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपने लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे UIDAI। अब हम आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और UIDAI लिखा है, उसको ओके करेंगे। पहला ऑप्शन है माई गेट आधार, को ओके करेंगे और ओके करेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन आए, एक तो आधार नंबर प्राप्त करने का और एक है इनरोलमेंट नंबर प्राप्त करने का। दोनों ही हमारे पास नहीं है और हमें आधार नंबर चाहिए, तो हम आधार नंबर पे ओके करेंगे और कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब नीचे ऑप्शन है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। आपके पास अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो मोबाइल नंबर ऐड कीजिए और ईमेल आईडी है तो ईमेल। तो मेरे पास मोबाइल नंबर है, मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। और जो कैप्चर दिया है वो ऐड करेंगे इसमें। सेंड OTP, ओके करें। अब आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा है OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो अब हम अपने मोबाइल में जो OTP आया है वो यहाँ लिखेंगे। और लॉगिन पे ओके करेंगे। अब इसमें लिखा है योर UID इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल को चेक इनबॉक्स में चेक करें, वहाँ आपका आधार नंबर सेंड कर दिया है। अब हम आधार कार्ड डाउनलोड करके चेक करेंगे। कैप्चर करेंगे। और सेंट OTP पे ओके। आपके मोबाइल में फिर से एक OTP आया है। अब हमारे पास एक PDF फाइल ओपन हो गई है, उसको ओके करेंगे।